आमे धारणा दे बेसिक नेसेसिटीज पाई आमर जेहेतु परमानेंट फैकल्टीज ना सिविल सीएससी एमती बहुत ब्रांचेस अच्छे जहाँ परमानेंट फैकल्टीज दुई रु तीन जन आईपाइर ए सी टी अप्रूवल भी प्रॉब्लम हो प्रिंसिपल को कहला बेलू सी बीओजी कहते बहुत सारा मैंने एमती कहते आम तो यही स्ट्राइकटा चारि वर्ष मुला भितर चारि वर्ष आगु भी हो तो आम प्लेसमेंट्स भी आसुनी आम ये बीटेक कर ग्राजुएसन करूँ आम प्लेसमेंट्स निहाती दरकार आम कोर कंपनीज प्लेसमेंट्स आसुनी इवन इफ आम क्लीनिंग हॉस्टल प्रीमिसेस क्लीन होनी कॉलेज प्रीमिसेस क्लीन होनी सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम अच्छी कोविड बॉयज हॉस्टल मैंने जो मैंने कोविड पेशेंट्स रोते कि सब जिन छाड़ी पलिते तो कोविड जब हम तो किए रेस्पोनसबिलिटी नब से आम बारंबार उठाऊ हाँ आम प्रिंसिपल को कही सुपरिटेंडेंट को कही बारंबार उठेले पर भी एटा नेग्लीजिबल हिसाब से ना हो प्रिंसिपल को एवं कहला सी कहते प्रोसीडिंग एबे स्टार्ट करेंगे तो आगुरी कौन करते आम तो फोर्थ इयर हेलु आम तो दि चारिमास पर आम भी तो पलब आमर तो किसी लाभ नहीं आम एम कौन ये बीटेक कर पढ़ी पलू कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज ना एक्चुअली आम कॉलेज रे बेसिक फैसिलिटीज जोड़ा इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मिलवा कथा सेमती किसी फैसिलिटीज मिलूनी छुआ मैंने फर्स्ट ईयर नहीं कि फोर्थ ईयर जाए समस्त बहुत हैरान होती आम जब प्रथम फर्स्ट ईयर आसलू से आज जाए चार वर्ष में पाँच छः थर स्ट्राइक है से मानने सब वर्ष खाली फेक एश्योरेंस मिलूँ कि हफ्ते भितर दस दिन भितर कम हम कम होमुक फेक एश्योरेंस दि जाए कि हफ्ते भितर तुम यही कम हम से कम हम कॉलेज बेसिक नीड जमी फर्स्ट एड किट ग्राउंड फैकल्टी प्लेसमेंट्स किसी भी सुविधा ना इवन हॉस्टल भी जो सानिटाइजेसन पर विक् हबार कहीं हॉस्टल कोविड केयर होता बाकी जितेबाला पिला हॉस्टल खोलला हॉस्टल को आसिले से पिला रूम में सीरीज कटन एगुटा सब पाया मिलता आठ नहीं आज जाए बोधे कलेज केवल गोटे थर पर सानिटाइजेसन हो जाए हॉस्टल आउ कलेज कौ भी जगह सानिटाइजर्स किसी अवेलेबल ना खाली प्रिंसिपल चेम्बर के बाहर सानिटाइजर गोटे लगे हाँ जिन मेडिकल जिन डंपिंग भी होता हाँ हॉस्टल साइड में डंपिंग है पिला से भी स्ट्राइक होता बहुत दिन पर डंपिंग है जाला गला सब वर्ष प्रिंसिपल आम स्टूडेंट मानक एमती एश्योरेन्स देखते कॉलेज मैं कॉलेज कि भी ना मैंने बेसिक फैसिलिटी जहाँ स्टूडेंट को दरकार इटली फैकल्टी मैंने नॉर्मल कोर ब्रांच गुड़ा एचओडी को छाड़े आ सब इरेगुलर फैकल्टी दाबी पूरण ना आम स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट यूनियन सब ब्रांच मिसे आम कॉलेज को टोटल बंद करूँ ताला पकेबू कॉलेज कोई भी प्रकार क्लास हो पार ना सेमती भी आम टीचर ना आम केन्दर राजस्तार ओल्लू एवं सरकारी अध्यापक सरकारी हायर अथॉरिटीज मानक आम लेटर पठे ना चार वर्ष मानते प्रत्येक मानते चार वर्ष मान दु वर्ष तले भी पिला स्ट्राइक करते तीन वर्ष तले भी पिला स्ट्राइक करते मैंने समग्र इश्यूज मानते किसी इश्यूज निश्चित रिजल्व होती मेजर जोटा रोच मानने रेगुला फैकल्टी रिक्रुटमेंट ये सब डिमांड ही आसो सो आम कलेजटा प्रथम बीपीयूटी यूनिवर्सिटी अंडर थी तो रिक्रुटमेंटा बीपीयूटी करूला बीपीयूटी थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी करता सिविल और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सिविल रे किछटा फैकल्टी रिक्रुटमेंट होती कंप्यूटर साइंस रे केवल जड़े ही रेगुलर फैकल्टी अच्छा सेमती आहरी भी किसी डिपार्टमेंट रे लाइक मिनरल भी जड़े फैकल्टी अच्छा मेटलोजी जड़े फैकल्टी अच्छा माइनिंग दु जन रेगुलर फैकल्टी अच्छा तो रिसेंटली गवर्नमेंट रोटे नोटिफिकेशन अनुसार आमको रेस्पोनसबिलिटी दिखाई बोर्ड अफ गवर्नर्स को रेस्पोनसबिलिटी दिखाई रिक्रुटमेंट तो ताऊपर बेस करी आम मैंने एक्चुअली एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पर एडवर्टाइजमेंट करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर पर किसी टेक्निकल इश्यूज अच्छी जेहेतु जो मैंने कंट्राक्चुअल फैकल्टीज मैंने अच्छा से मैंने गोटे कोर्ट हाईकोर्ट केस करते केस कर सो प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं कि आम एडवर्टाइजमेंट कर चिंता करूँ वर्तमान एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर भी जो एडवर्टाइजमेंट होता से एज पर दि कन्वेंशन बै अदर यूनिवर्सिटीज अदर इंस्टीट्यूशंस आम मैंने कौन रिजर्वेशन अप्लाय कर सबगुड़ा पोस्ट जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बाहर सबगुड़ा अनरिजर्व पोस्ट थी
କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆମକୁ ପଠାଇଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ସ କରିକି ଆମର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚିଠି ଦେଇଛୁ, ଆମର ଯେତିକି ଭେକେନ୍ସି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ORB ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚିଠି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଦିନେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତା'ର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଯିବୁ ଏବଂ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୁଣି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ସାର୍, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, କେମିତି କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ତା'ପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲିମିଟେଡ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ଫାର୍ ଏୱେ ପ୍ଲେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମେମାନେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବି କରିଛୁ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ସଫ୍ଟୱେର୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ରେଡ଼ି ନୁହନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ଠୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବହୁତ କମ୍ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି, ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର୍ସ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଭିଜିଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଏଚ୍ଆର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିକି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନୀତି, ଅଧ୍ୟାପକ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଯେଉଁ ରହିଛି ଚାରି ବର୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି, କାହିଁକି ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରୁନଥିଲା, ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଥର ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କଲାପରେ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିନଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁକେ ଡିସିଜନ୍ କି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିକଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ନାଇଁ କଲେଜମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରୁଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ଟା ଆମେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ବା ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଦେବେ। ସୋ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଯଦି ମାନେ ନିଜେ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବି ସୋମବାର ଦିନ, ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇକି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ଟା ନେଇ ଆସିବି, ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ୱିଦିନ୍ 2-3 ଡେଜ୍ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଫର୍ ଅଲ୍ ପୋଜିସନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର।